अपना गजब वाला ट्वीट डिलीट करो, पीसीबी का मोहम्मद रिजवान से मुतालबा। जी हाँ, पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान को फोर्स किया, उन पर जोर दे रही है कि अपने जो गजा के लिए ट्वीट किया था, यानी श्रीलंका से जो पाकिस्तान मैच जीता था जिसमें मोहम्मद रिजवान वो मैन ऑफ द मैच कराए गए थे, तो उन्होंने अपना अवार्ड सेलिब्रेट किया था, यानी कि नॉमिनेट किया था, यानी नाम किया था गजा के मुसलमानों के नाम जो शहीद हुए थे। तो जिसको लेके भारत में यानी इंडिया में जहाँ वर्ल्ड कप पूरा बड़ा तूफान बरपा हो गया था, तो इंडिया ने कहीं ना कहीं आईसीसी को शिकायत भी लगाई थी, मगर आईसीसी ने क्लियर कर दिया था ये चीज़ मैदान के बाहर हुई है तो इसके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। मगर अंदर द टेबल बीसीसीआई और आईसीसी पीसीबी पर जोर डाली किसी तरह मोहम्मद रिजवान से ये ट्वीट को ना डिलीट करवाया जाए। मोहम्मद रिजवान डट गए हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो इसके ऊपर दी न्यूज़ में एक आर्टिकल छपा है, तो वो पूरी रिपोर्ट क्या है तो हम आपको जरा पढ़ के सुनाते हैं। पीसीबी का मोहम्मद रिजवान से फलस्तीन की हमायत में सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने का मुतालबा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान से अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करने को कहा, जिसमें उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टीम की तारीखी जीत को इसराइल के हाथों नस्ल कशी का सामने करने वाले फलस्तीनियों के नाम किया था। तहम रबता करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पीसीबी का कानूनी शोबा यहाँ मुतलका है, क्योंकि मेरे पास ऐसी मालूमात देने का इख्तियार नहीं है, यानी उन्होंने कहा इस खबर की मैं तरदीद और तस्दीक नहीं कर सकता क्योंकि हम बॉन्ड है आईसीसी की तरफ से, हम नहीं बात कर सकते। मोहम्मद रिजवान ने 11 अक्टूबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक के सबसे ज्यादा रन के ताकुब में 131 नॉट आउट की इनिंग के एक दिन बाद ट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया था, यह गजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। जीत में ऐसा डालकर खुशी हुई। एक निजी स्पोर्ट चैनल की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर भी बताया, सोशल मीडिया पोस्ट पर पीसीबी आईसीसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया बीसीसीआई के दबाव में था, लेकिन रिजवान ने इसे डिलीट करने से इनकार कर दिया। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के जवाब में गजा पर तकरीबन 4 हफ्तों से अपनी नाकाबंदी सख्त कर दिया और बमबारी की है, जिसमें इसराइल हुकाम के मुताबिक 1400 अफराद हलाक हुए थे। गजा के महकमा सेहत के एक अहलकार ने बताया, जंग में 9770 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल के मासूम फलस्तीनियों पर गैर इंसानी हमलों के बाद पाकिस्तान के दीगर क्रिकेटर ने भी फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया था। मर्द क्रिकेटर जो फिलहाल वर्ल्ड कप 2023 के लिए हिंदुस्तान में है, एक्स साहब का ट्विटर पर फलस्तीन के झंडे पोस्ट किए। ऑल राउंडर शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और लेग स्पिनर सोमा मीन ने मासूम फलस्तीनियों के लिए अपनी हमायत का इजहार किया, अमन की उम्मीद जाहिर की। इंस्टाग्राम की कहानियों, पोस्टों, ट्वीट के जरिए बहुत से खेलों के सितारे फलस्तीनियों की बढ़ती हुई मायूसकुन सूरत हाल और खित्ते में अमन की जरूरी की तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए अपना आवाज उठा रहे हैं। तो इसके साथ ही बहुत ही फोर्स किया गया रिजवान को, तो मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि भाई टस से मस हो जाए, वो ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हम तो मोहम्मद रिजवान के साथ खड़े हैं, तो आप हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, उन्हें ट्वीट डिलीट कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए। तो अभी तक के लिए अपने होस्ट राशिद रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।